Hey guys, welcome back to my channel. आप सभी के दिल से स्वागत है गुलू ब्लॉग्स के चैनल पे। तो यार दोस्तों, यार आप लोगों ने वीडियो देख लिया यार, पिछले वाला मतलब जिसमें पुलिस वुलिस पकड़ी गई थी और एक्स बीएचयू लोग आए थे, मीटअप हुआ था। तो यार मैं सच्ची बताऊं, मेरी एक गलती थी कि वो गलती क्या थी, जो आरसी में जिसका नाम था वो मेरे को याद नहीं था, क्योंकि जिस दिन मैंने आरसी ली थी अमन से और जिस दिन मैंने बाइक ली थी आरसी पे, बस देख लिया था नंबर वंबर ये वो, बाकी नाम नहीं देख पाया था, वो मेरी गलती थी। तो सर ने जब नाम मैं नहीं बता पाया था तो उन्होंने अपने मोबाइल से जो भी ऑनलाइन से देखते तो उन्होंने खुद बता दिया था। उनको लगा कि मैं गाड़ी किसी और की ले जा रहा हूँ, नाम नहीं बता पाया। तो मैंने कहा रुकिए सर, सबर करिए, लेके आ रहे, फिर आपको सब अच्छे से पता चल जाएगा। तब तक जो बगल में जो दीवान जी थे तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं सर, ऐसे ऐसे इनको रिशु के यहाँ से सब जानते हैं ये वो। तो ठीक है जाइए, एक गलती तो मैं मानता हूँ भाई, मैंने अपना आरसी पे जो नाम लिखा था वो मेरे को याद नहीं था। आप देख सकते ना किस हिसाब से भाई भीड़ थी और किस हिसाब से भाई 6 सुपर बाइक का चलान हो गया अच्छा खासा। ऐसा तो नहीं है भाई, अच्छा खासा भाई चलान हुआ होगा। अभी तो हम निकले नहीं, मतलब अभी तो हम यार थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं, फिर आज यार एक मूवी लगी, बहुत तगड़ी वाली मूवी लगी है, मेरी वह फेवरेट मार्वल वकांडा फॉर एवर ब्लैक पैंथर के, वो यार सच्ची में वेट कर रहा था। आज ही रिलीज हुई है 11 तारीख को, तो आज हम देखने जाएंगे और देखते हैं मम्मी को ले जाएंगे तो मम्मी भी जाएंगी मेरे साथ। वहाँ चलोगी? मम्मी कह रही देखी जाइए, तो वहाँ जाके देखी जाइए ना, या यहीं पे बैठे बैठे देखी जाइए। अभी देखी जाएगा, समय अंधे शाम दूर है, शाम दूर है। मम्मी आज ठंडा मौसम आ गया, 2:30 बज गए, वैसे भी नहीं 2:30 नहीं 2 बज गए। माइंड में रहे तो कैसे पता चलेगा क्या फालतू बातें ना करो। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे खाना पीना खा लेते फिर हम आपसे मिलते हैं। 2-3 दिन हो गए मैं पेट्रोल पंप नहीं जा पाया था, क्योंकि जो मैंने कहा था कि मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था उसको बताने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो आज टाइम मिला और पेट्रोल भी वैसे ही डलवाना, तो वहीं चलते हैं पेट्रोल डलवाएंगे और भैया उनसे बात भी करेंगे। पहली बार ऐसा हो, वैसे वो मेरे साथ ऐसा करता नहीं है, लेकिन तब भी देखते हैं क्या सीन है। हमें ऐसे तो ठाकुर साहब जा रहे हैं, यप क्या अच्छा कहाँ जा रहे भैया, टहल लो। हम अभी 10 मिनट फ्री हो रहे, फिर आपको कॉल कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे थे ना। ठीक है, आई आई है। हमें आप ही से काम था, उन्होंने बताया नहीं था क्या आपको? एक वजह आप जब मैं आया था, जब स्कूटी में पेट्रोल डाल लेते आगे, मैं पीछे था, तो उसमें 100 रुपये का आपने डाला था और मैंने आपसे कहा था 500 डालना है, तो आपने ज़ीरो किया नहीं था या हाँ, तो शायद आपने गलती से हो गया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपने सिर्फ 400 का डाला था और 500 रुपये कैश आप ले लेते हैं। वीडियो मैंने डाला भी यूट्यूब पे, ऐसा कुछ बोला नहीं है, नहीं तभी मैंने सोचा आपको दिखा देंगे वीडियो। अरे नहीं भाई, जैसे बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो 100 रुपये वाली बात नहीं है, एक हम बात नहीं, हम ये कह रहे कि गलती से रीसेट नहीं होगा इसी वजह से, और कोई बात नहीं, मैंने सोचा बता दूँ आपको जिससे कि अगली बार आप ध्यान रखें। तो भाई हाँ भाई, तेल डलवाना, 500 डाल दीजिए। हाँ नहीं, हम 500 500 आप से ले ले रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा, आप 600 डाल लेंगे। हाँ ठीक ठीक ठीक, 150 वाली बात। अरे नहीं नहीं, उस दिन में आए नहीं, गलती से हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि आप हमको जानते हैं अच्छे से, आप ऐसे थोड़ी ना करेंगे। और जब से गाड़ी खरीदा हूँ पुरानी वाली, तब से तो यहीं से डलवा लें। 150 रुपये कहते हैं हम इसे लेने आपसे। ना ना वो बात नहीं, नहीं रहता पैसा, हम तब भी दे डालते, ये बात दे दीजिएगा। ना होता, हम जब वीडियो एडिट कर रहे थे मैंने कहा ये क्या सीन है, मैंने कहा चलो भैया गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। शामिल आने में या है ना। नमस्कार, कैसे हैं? कोई प्राय कस्टमर आदमी हो, नहीं जान है वो अलग बात है। हाँ वो बात है, हम तो आपको अच्छे से जानते हैं, 4 साल हो गए, 4-5 साल और हो गया भैया। हाँ ये वो तो बात है, और हो गया छोटे थे। चलिए फिर भैया, तो एकदम अच्छे से बात किए, चलो चलते हैं घर की तरफ। रॉन्ग साइड से क्यों आते हो यार, थोड़ा सा टर्न लेके आ जाओ यार, ऐसे यार एक्सीडेंट होते हैं। टाइम कितना हो रहा है?
6:42 हम लोग 10 मिनट लेट हैं और इसमें यार महावीर की वजह से लेट हो गए थोड़ा। मेरी वजह से? वाओ। अरे मम्मी काम से गए थे इसलिए थोड़ा बहुत लेट हो गए थे। अब यहाँ से बस सेकंड फ्लोर आ जाए फिर उसके बाद फिर जाएंगे मूवी की टिकट बुक करेंगे और देखते हैं कि थोड़ा बहुत तो छुट्टी होगी स्टार्टिंग की। भाई 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 सेकंड फ्लोर है जल्दबाजी नहीं। ये भी लेना जल्दी प्रोसेस हो। छूट गई है बहुत ज्यादा। ये तो हर बार अलग एंगल से आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे यार बहुत अच्छी मूवी लगी वकांडा फॉरएवर। और भाई इसके सॉन्ग यार सॉन्ग सेक्सी थे एक नंबर भाई एक नंबर भाई सॉन्ग तो मजेदार है। तो यार कुछ कहना चाहो मूवी के बारे में? मूवी तो ऑसम थी बट वन टाइम वॉचेबल मूवी है लेकिन वो वाइब नहीं आया जो सही बताया तो जो पुराने ब्लैक पैंथर में था। लेकिन इस ब्लैक पैंथर में वो मजा नहीं है जो होना चाहिए। वो फील नहीं आया। क्या ही बोले यार सीरिया होटल है। हाँ बस वन टाइम वॉचेबल मूवी है ये तो मैं कहूँ। ये तो बात है लेकिन भाई उसके जो एक्शन होता है जो वो जहाँ जहाँ से एंट्री मारता है वो कुछ कुछ शॉट बहुत तगड़े थे बहुत तगड़े थे मज़ेदार था। तो अभी हम जा रहे हैं पार्किंग एरिया में क्योंकि अब तो भैया खुशी के साथ आए थे अपनी स्कूटी। तो यहाँ से एरिया की तरफ वॉशरूम नहीं जाना भाई। एग्जिट ओनली। अच्छा एग्जिट ओनली चलो यार चलते हैं एग्जिट ओनली में।